सीतापुर हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। परसों यहां एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या और एक की आत्महत्या की खबर आई थी, जिसने सभी को दहला दिया था। मगर अब कहानी पूरी तरह से पलटती नजर आ रही है। दरअसल सीतापुर के पल्हापुर गांव में माँ, पत्नी और अपने 3 बच्चों की हत्या अनुराग सिंह ने नहीं बल्कि उसके बड़े भाई अजीत सिंह ने की थी। ये सारा खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हुआ है, क्योंकि उसमें मृतक अनुराग के सिर में 2 गोलियां लगने की पुष्टि हुई है। इसी के बाद पुलिस ने अभी तक ये मुख्य आरोपी समझे जा रहे अनुराग सिंह के बड़े भाई अजीत सिंह के साथ सख्ती के साथ पूछताछ की थी, जिसके बाद तस्वीर साफ हो गई। अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक अजीत सिंह ने परिवार के सभी 6 लोगों की हत्या की बात कबूल ली है। तफ्तीश में तथ्य उजागर हुए हैं कि संपत्ति विवाद में अनुराग, उसकी पत्नी प्रियंका व 3 मासूम बच्चों के साथ मां सावित्री की भी हत्या कर दी गई। पहले पुलिस ने अजीत और अन्य परिजनों के हवाले से बताया था कि शनिवार तड़के परिवार के 5 लोगों की हत्या कर अनुराग ने खुदकुशी कर ली थी। सीतापुर हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये मामला दूसरी दिशा में मोड़ चुका है। बिना जांच पड़ताल किए पहले पुलिस ने इस वारदात को मृतक अनुराग की ओर से अंजाम देने का राग अलापा था, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस के सुर एकाएक बदल गए। वारदात के बाद पहुंची पुलिस ने अनुराग को मानसिक विच्छेद बताया था, साथ ही जांच के आधार पर इन सब हत्याओं के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहरा दिया था। मगर अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सीतापुर हत्याकांड में पुलिस बैकफुट पर दिखाई दे रही है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अनुराग को 2 गोलियां मारे जाने की पुष्टि हुई है। सवाल उठता है कि एक गोली मारने के बाद कोई दूसरी गोली कैसे चला सकता है, वो भी दूसरी दिशा से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनुराग की हत्या की ओर सीधे सीधे इशारा कर रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अनुराग को एक गोली दाहिनी कनपट्टी पर मारी गई, जो गले को चीरती हुई दूसरी तरफ से निकल गई। वहीं दूसरी गोली बाईं तरफ से मारी गई, जो कि सर में जाकर फंस गई। उसकी मां सावित्री के सिर में 5 से 6 चोटें आई हैं, जो कि हथौड़े से की गई बताई जा रही हैं। 10 वर्षीय बेटी आसवी को भी गोली मारी गई है। इस हत्याकांड की शुरुआत में अनुराग को नशे का आदि और मानसिक रोगी बताया गया था, साथ ही उसी पर पूरे परिवार को खत्म करने के बाद खुदकुशी करने का आरोप लगा था। उस वक्त अनुराग के बड़े भाई अजीत ने कहा था कि अनुराग बंदूक लेकर उसे भी मारने दौड़ा था, मगर उसने खुद को बचाने के लिए दरवाजा बंद कर लिया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद नई थ्योरी के मुताबिक पुलिस का कहना है कि अजीत ने माना है कि उसने पहले अनुराग को मारा, उसके बाद माँ और फिर अनुराग की पत्नी प्रियंका को गोली मारी। इस बीच बड़ी बेटी के जगने पर उसे भी गोली मार दी। पुलिस ने मृतक अनुराग के ताऊ, बड़े भाई अजीत, उसकी पत्नी और 2 नौकरों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। कुछ देर बाद अजीत टूट गया और उसने सच बयां कर दिया। सीतापुर के SP चक्रेश मिश्रा ने बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अब नए सिरे से जांच शुरू की जा रही है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।